हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 18 महीने बाद खुला कंस मामा का भेद। गर्लफ्रेंड से नजदीकी बढ़ाने पर भांजे को उतारा मौत के घाट। कलयुगी मामा ने अपने सगे भांजे की हत्या कर शव को छत पर पौधे लगाने की क्यारी में दफना दिया। आरोपी ने शव के ऊपर पौधा भी लगाया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मामा ने अपने भांजे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वह उसी मकान में रहता था जिस मकान में छत पर उसने मिट्टी में शव दफन करने के बाद उस पर पौधा लगा दिया था। मिट्टी के नीचे से मिला नरकंकाल। 3 महीने पूर्व आरोपी मामा के मकान खाली करके जाने के बाद जब मकान मालिक ने सूख चुके पौधों व मिट्टी को छत से हटाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मिट्टी के नीचे एक नर कंकाल था जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के अनुसार 9 अक्टूबर 2018 को कंकाल मिलने की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। डीएनए की जांच के बाद मामा पर घूमी संदेह की सुई। छानबीन में मृतक की पहचान 27 साल के जयप्रकाश महाराणा के रूप में हुई थी जो अपने मामा विजय नय के साथ रहता था। पुलिस ने परिवार से संपर्क करके डीएनए जांच कराई और मकान मालिक से पूछताछ हुई तो पता चला कि उसने इस मकान में किराए का कमरा लिया था और तुलसी की पूजा करने के लिए मकान मालिक से कहकर चौथी मंजिल पर बालकनी में मिट्टी डाली थी। पता चला कि जयप्रकाश के सगे मामा ने 12 फरवरी को जयप्रकाश की गुमशुदगी की जानकारी दी थी कि वह कहीं शादी में गया था लेकिन वापस नहीं आया। जानकारी देने के बाद विजय ने गुमशुदगी को लेकर कोई पूछताछ नहीं की, दिल्ली से हैदराबाद चला गया। आरोपी मामा विजयन को शव बरामद होने व पुलिस छानबीन की जानकारी मिली तो वह दिल्ली छोड़कर हैदराबाद फरार हो गया। 3 महीने की गहन छानबीन, टेक्निकल सर्वेलेंस, 400 से ज्यादा लोगों से पूछताछ और 5 राज्यों में दर्जन भर रेड इंस्पेक्टर राजकुमार की टीम द्वारा की गई और आखिरकार हैदराबाद में आरोपी विजयन महाराणा को दबोच लिया गया। गर्लफ्रेंड से नजदीकी बढ़ाने पर की थी भांजे की हत्या। उड़ीसा का रहने वाला विजयन भांजे जय प्रकाश महाराणा के साथ द्वारका जिले के डाबरी थाने इलाके में कियाराए पर रहता था और प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि प्रकाश की नजदीकी उसकी गर्लफ्रेंड से भिड़ने लगी थी। उसे रास्ते से हटाने के लिए रात में पंखे की मोटर से वार कर हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के लिए बालकनी में मिट्टी डालकर पूजा के लिए तुलसी का पौधा लगाने का बहाने से भांजे की लाश को उसने दफन कर दिया और उसी मकान में अकेला रहता था। आरोपी को दबोचने के लिए एटीएस के इंस्पेक्टर राजकुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई जिसमें सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र, संजय, सहायक सब इंस्पेक्टर रणधीर, संजय, कांस्टेबल जगत को शामिल किया गया। जांच में संदिग्ध आरोपी मृतक के मामा विजयन को कुछ नहीं पता चला। उसने सारे पुराने नंबर बंद मिले। घर वालों से वह काफी अरसे से कोई संपर्क में नहीं था। पुलिस की कई टीम जानकारी मिलते ही दिल्ली में कई जगहों के अलावा हरियाणा के सोनापत, पानीपत, पंजाब के अम्बाला, उड़ीसा और विशाखापट्टनम तक रेड की। उसी रेड में आरोपी के एक दो पुराने दोस्त के बारे में जानकारी मिली। फिर उसी जानकारी पर सहायक सब इंस्पेक्टर मनोज और कांस्टेबल अर्जुन की टीम विशाखापट्टनम रवाना हुई। वहां पुलिस टीम जांच करते हुए आरोपी के सबसे पुराने दोस्त तक पहुंच गई। बाद में पुलिस ने हैदराबाद पहुंचकर विजयन की गर्लफ्रेंड की मदद से आरोपी को दबोच लिया। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।